YouTube guys, कैसे हो सभी लोग? Welcome back to another video. तो guys, मैं आप सभी के लिए एक और new PUBG Mobile का solo squad का gameplay video जो लेकर आ चुका हूँ. तो guys, आज के वाला जो gameplay है बहुत ही ज़्यादा amazing होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले हमने hot drop मारा था Novo में, जहाँ पर हमें उतरते मिली थी S66 एंड कार 98 की, जो कि कोई ज़्यादा खास गन नहीं है सर्वाइव करने के लिए, बट उसके बाद भी हमने सर्वाइव करा. अब उसके बाद आपको इस वाले मैच के अंदर कार 98 के चाटे देखने को मिलने वाले हैं, मतलब कि बंदों को जो रैप्टे मारे हैं ना कार 98 से पूछो मत. तो gameplay पूरा एंड तक देखना, एंड पसंद है तो लाइक करना. एम करते हैं इस वाली वीडियो पे 5400 लाइक्स के लिए. तो मुझे पता है आपसे पूरी उम्मीद है, ज्यादा एम है बट पूरी उम्मीद है कंप्लीट कर दोगे. तो गाइस, मैं उतर चुका हूं सीधा नोवो में, एंड यहां पर मुझे मिल चुके हैं सस्ती गने. अब भाई, जैसे अच्छी गन्स उठाने की बारी आई, इनका पीछे से टीममेट आ गया. अब इनके भी तीन नॉक थे तो उसको भी सीधा रेवी देना था. तो यहाँ पर मेरी हेल्थ भी कम थी, वरना मैं पीछे नहीं आता, पहले उसको मार देता. बट यहाँ पर मैंने पीछे आके फर्स्ट एड लिया, फर्स्ट एड लिए थे सीधा उस पर पुश कर देंगे. अब जैसे ही मैंने इसको मारा, मेरे को पीछे की तरफ एक और बंदा दिख गया जो कि इसको पहले से मार रहा था. मैंने तो फिलहाल एक ही गोली मारी. तो भाई, तुम्हारे भाई ने तो म्यूटेंट से इन सब का भैया मतलब कि भूत सा बना दिया. अब यहाँ पर जैसे मैंने इससे थोड़ी बहुत गन ली, तभी मेरे को इसके एक और टीममेट का साउंड आ गया. अब बेचारा इतनी फुर्ती में लूट फाट के रेव करने आ ही रहा था, बट बेचारे का जहाँ उसने सोचा कि रेव दे देता हूँ, उस सोचने से पहले ही वो मारा गया. तो यहाँ पर इसका टीममेट जो अभी बेचारा रो रहा हो कि मतलब यार क्या क्या मतलब हो क्या रहा है, मैं रेव कब होऊंगा. जैसे ही रेव होने लगता हूँ वैसे ही कलेश हो जाता है. तो यहाँ पर मैंने इसको भी मार दिया. अब मैं थोड़ा सा लूटते लूटते आगे की तरफ आया ताकि स्कोप इसको मिल जाए, तभी आगे से AKM चलने लगी और मेरे को बंदा भी दिख गया इसी के अंदर है. तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट फ्लैंक मार देते हैं भाई. तो भैया ये होते हैं बिना ईयरफोन लगा के खेलने के रिजल्ट. तो मतलब कि मैं आ रहा हूँ, मतलब राइट फ्लैंक कर रहा हूँ, बंदे का ध्यान ही कहीं हो रहा है. अब उसके बाद मैंने देखा कि भैया ब्रिज कैंपिंग भी नहीं थी और मिल्टा के भी सारे गेट बंद थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था बंदा कहाँ होगा, क्योंकि प्लेन लाइन पूरी यहीं से गई थी. तो मैंने कहा चलो एक बार शेल्टर में चेकआउट कर लेते. तो मैं अपनी गाड़ी भगाता हुआ ले जा रहा था शेल्टर के साइड से. अब जैसे ही थोड़ा आगे गया, बंदे के फुटस्टेप्स आ गए, मैं तो भैया डर सा गया एकदम. तो भाई ये बंदा जैसा भी था अच्छा हुआ कि सांप नहीं बना. अब मैंने इस बंदे को थोड़ा बहुत लूटा, मेरे को लग रहा था यार इसके टीममेट ना हो, अगल बगल एक भी बंदा लेट, आधा बंदा भी लेटा होगा वो भी मेरे को बहुत इजीली मार देगा. तो मैंने कहा फटाफट यहाँ से गाड़ी लेकर निकल लेते, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा कि यहाँ पर मैं बच पाऊंगा, इतने सारा सांप वाला एरिया, मतलब इतनी घास वहाँ से, तो मेरे को डर सा लग रहा था. मैंने कहा निकल लेते हैं भाई. अब उसके बाद अपनी गाड़ी को सीधा भगाते हुए ले जा रहा. मैंने कहा भैया अभी चलते हैं रोजोक, आप सभी को पता है मैं हर बात पर रोजोक पहुँच जाता हूँ चाहे कहीं भी उतरूँ. तभी मेरे पीछे एक US आ गई.
अब इस बंदे को तो मैंने पूरा का पूरा भूत बना दिया था, क्योंकि उसने पहले मैंने जितने शॉट्स मिस करे उसके बाद मैंने उसके डबल शॉट्स उसके मारे। अब मैंने कहा चलो भैया ये 1 HP तो 100% होगा, तो इसका पीछे करके से निपटा देते हैं। भाई साहब तो कति प्रो प्लेयर बन रहे हैं, मतलब कि बिना फर्स्ट एड लिए मेरे को मारने आ रहा है। मैंने कहा वाह भैया। अब उसके बाद मैं सीधा गाड़ी लेकर जा रहा था रोजो के हिल पे, तभी मतलब एक पता नहीं कौन सा बाइक राइडर आ गया, अपनी हायाबूसा भगाता वो सीधा लेगा, रुक ही नहीं रहा। मैंने कहा भाई एक बार देख तो ले पीछे तेरे गाड़ी चल रही है, एनिमी की गाड़ी है अपने टीममेट की गाड़ी, कुछ तो पता कर। नहीं भाई, भाई को जानता फ्लेयर पे, तो अपना निकल गया सीधा फ्लेयर पे। मैंने कहा ना भैया मैं तो ना पकड़ पाऊंगा इसे, अब मैं चलता हूँ सीधा रोजो के हिल पे। अब यहाँ पर इसके एक बंदे के तो मैंने हेडशॉट देके 1 HP कर दिया और दूसरे वाले को नॉक डाउन कर दिया। अब मैंने कहा चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब सिचुएशन जो है अपने हाथ में है, तो चलते सीधा पुश कर रहे हैं। बट यहाँ पर यार एक टाइप से ना अभी पुश गलत हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत ही गलत सीन होने वाला है। तो भाई यहाँ पर मैंने इसके बंदे को नॉकडाउन कर दिया था और गाड़ी पलट गई थी और ऊपर हिल पर एक और ढांसी आकर खड़ी हो गई। तो मैंने कहा चलो भैया देखते क्या पता इसी के टीममेट्स हो। अब ये बंदा तो पीक तो ऐसे लेकर खड़ा हुआ है जैसे कि समझो श्राउड फेल। अब यहाँ पर इस बंदे के चाटा, तो ये मतलब इसे शायद पता नहीं होगा कि ये जो मैच शुरू हुआ है ना, तो मैंने पहला ही शॉट चाटा दिया था बंदे के कार 98 का। अब पूरे मैप में मैं सबके चाटे ही देता हुआ ना कार 98 के, और यहाँ पर भी तीनों के कार 98 के ही चाटे पड़े थे। तो अब इसको मारने के बाद मैं सीधा आगे पहुंचिंग में जो फ्लेयर चली थी वहाँ जा रहा था, तभी मुझे दो बंदे दिख गए। अब इस बंदे के ऊपर गाड़ी एकदम प्रॉपर चढ़ा, बट मुझे समझ नहीं आया ये नॉकडाउन क्यों नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो भैया कोई नहीं, तब नहीं हुआ तो अब कर देते हैं। अब यहाँ पर इसका एक बंदा मेरे को मारने की कोशिश कर रहा था ऊपर से हिल पर से आके, तो यहाँ पर मैंने उसके भी चाटा दे दिया। और ये वाला बंदा समझ गया था कि भैया मतलब चाटे बहुत तेज पड़ रहे हैं, तो झांकने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी उसके बाद देखना इसने झांका, और मेरे को समझ नहीं आया कि मैंने फायर क्यों नहीं करा। मेरे को अभी भी नहीं समझ आ रहा मैंने फायर क्यों नहीं करा था उस टाइम, मैं बस ऐसे पिक पिक करता रह गया। तो यहाँ पर बस मैं इसे चाटा नहीं दे पाया, वो मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। बट इस बंदे को पूरा समझ था कि अगर मैं झांका तो चाटा उड़ता हुआ आएगा और मेरे गाल पर पड़ेगा और मैं ख़त्म हूँ। तो ये बंदे ने झांकने की कोई गलती नहीं की। तो भैया बंदा अपना स्मोक स्मोक करके निकला था, तभी मैंने उसके फिर भी एक कार 98 का चाटा बजा ही दिया, और उसके बाद M4 के 3X के स्प्रे से मैंने उसे ख़त्म कर दिया। अब उसको मारने के बाद मेरे को फ्लेयर व्लेयर तो दिखी नहीं थी, बट जब मैं पूरे में गाड़ियाँ घुमा रहा था तभी मेरे को राइट से भैया बंदे जो है मतलब कि भाई साहब क्या गोलियाँ मारने लग गए। मैंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो भाई साहब रॉयल स्क्वाड तो मतलब कि शुरू से लेकर अब तक शायद ड्रॉप ही लूट रही थी, क्योंकि दोनों बंदों में भाई घीली सूट्स थे और यहाँ पर ड्रॉप वेपन्स भी थे। तो मैंने कहा रहा भैया ये तो गलती सीन है, बट मुझे पता था यहाँ पर 2 से ज़्यादा बंदे, क्योंकि जो मेरे स्प्रे पड़ा था तो वो कोई 2 लोगों ने नहीं ज़्यादा लोगों ने मारा था। तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी वाले तो निकल गए, एक को मैंने नॉकडाउन भी कर दिया तो उसे फिनिश कर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने उस वाले बंदे को तो फिनिश कर दिया और इस घर से निकल के मैं पीछे चला गया, क्योंकि अगर इन्होंने नेड या मोलीडर पर डाल दिया तो भैया मेरा तो अंतिम संस्कार वहीं पर हो जाएगा। तो मैं अपना चुपचाप पीछे आके TPP लेने लगा। और मैंने तभी देखा कि भैया इनके पीछे से पूरी एक टार्जन उड़ती हुई आ रही है। मैंने कहा अरे भाई 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 ये मतलब कि हो क्या रहा है। तो अब इनका सारा ध्यान जो है उन पर भटक गया, तो मैंने कहा चलो भैया यही सही टाइम है, नेडिंग वेडिंग करके इन पर पुश कर देते हैं।
तो भाई ये फायदे होते हैं बंदे को पूरा ना फिनिश करने के। पहले तो बंदा बहुत खुश हो रहा था कि यार कितना अच्छा बंदा है, मेरे को पूरा नहीं मार रहा। तो उसको ये नहीं पता था कि मैं उसे पूरा इसीलिए नहीं मार रहा ताकि मेरे को वो अपने टीममेट्स की पूरी करेक्ट लोकेशन देता जाए। तो यहाँ पर वो अपने बेचारा रिवाइव होने आया, वैसे हमने नेट डाल के इनका खत्म गेम खत्म कर दिया। अब उसके बाद मैं अपनी गाड़ी को लेकर आगे जा रहा था, तभी पेड़ में इतनी बुरी तरह ठुकी और मैं उतरा, देखा भैया यहाँ तो US खड़ा हुआ है। तो मेरे को पता लग गया था कि भैया बंदा इधर उधर कैंप कर रहे होंगे। तभी मेरे को ऊपर से फुटस्टेप्स आ गया, तो मेरे को पता लग गया भैया पूरा मतलब कि खतरनाक वाला ही कैंपर है, तो इसको नेट डाल के फोड़ देते हैं। तो भाई ये बंदा पहले वाले उस वाले नेट से तो मरा ही नहीं, तो मेरे को लगा क्या पता इस वाले कमरे में ना हो, पता नहीं कहाँ था ये बंदा। बट ये 1 HP हो गया था, तो ये फर्स्ट एड ले रहा था, मुझे साउंड आ गया तो मैंने डायरेक्टली घुस के से निपटा दिया। अब यहाँ पर ज़्यादा बंदे अलाइव नहीं थे, सिर्फ 7 बंदे अलाइव थे। तो इधर की तरफ एक ड्रॉप आया था, तो मैंने कहा चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है, चलते ड्रॉप की साइड एंड वहीं पर शायद क्या पता बंदे हो तो निपटाएंगे। और वहीं से इतना फायर आ रहा, बंदे छोड़ो मतलब सारे के सारे एंड के बंदे यहीं पर बचे थे। तो मैंने कहा चलो भैया निपटा देते, बट यहाँ पर दिक्कत ये हुई कि सारी की सारी घास थी। तो भाई मुझे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था, बस एक गाड़ी दिख रही थी जो कि थोड़ी बहुत डैमेज थी, तो मैंने उसी पे स्प्रे करके उसे पूरा फोड़ दिया, ज़्यादा कुछ नहीं करा। तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं यार पीछे चल लेता है, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा है यहाँ पर क्या सीन हो रहा है। बंदे कुत्ते की तरह गोलियाँ चलाए जा रहे हैं, बट कोई दिख नहीं रहा है, ऐसे लेटे पड़े हैं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, दूर से आकर हम निपटाएंगे इजीली, क्योंकि अपने पास AWM+8X है। तो भाई यहाँ पर तो मैंने इसके एक बंदे को जो है मार के नॉक करके पूरा फिनिश कर दिया, और वो बंदा बेचारा ड्रॉप की लालच में मारा गया, मतलब कि उसे Level 3 Vest और अच्छी गन्स के लिए बेचारे ने एंड में अपनी जान दे बैठा। अब यहाँ पर एक बंदे ने जैसे ही मतलब बाहर से निकलने की कोशिश करी, फ्लैंक करने की कोशिश करी, उसका तुरंत बॉडी शॉट पड़ गया और वो वापस उतनी ही स्पीड में स्मोक के अंदर निकल गया। अब यहाँ पर दिक्कत की बात ये थी कि वो लोग भी जोन में थे, बट वो लोग चाह रहे थे कि हम लोग पूरा स्मोक करें और इस आखिरी वाले बंदे पे पुश कर दे। तो मैं अकेला था, अब ये लोग मेरे को बहुत ज़्यादा हल्के मिले गए। तो भाई इस बंदे ने मुझे 3 गोली में 1 HP कर दिया, और मैंने इसकी कितनी गोली मारी तब जाकर ये नोक हुआ। अब यहाँ पर मुझे पता लग गया था इनका एक बंदा नोक हुआ है, तो बाकी दो भी पैनिक हो जाएंगे, ये पैनिक कर देगा रिवाइव देने के लिए, खुद को स्मोक डालो पूरा सेफ हूँ। तो यहाँ पर वो बंदे तो अंधा पुश मारेंगे और मारे जाएंगे भाई। तो भैया ये लोग भी बेचारे बहुत ही बुरी मौत मारे गए। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वाला जो मैच का गेम प्ले है जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को जाकर लाइक जरूर करना है। एंड गाइस मैंने अपने इंस्टाग्राम पर एक 1v4 का बहुत ज़्यादा अमेजिंग M249 का क्लच डाला है, तो जाकर उसे देखना, बहुत ही अमेजिंग वीडियो इंस्टाग्राम पर मैंने डाल रखी है। अगर आपको इंस्टाग्राम आईडी नहीं पता है तो आपको ऊपर दिख रही होगी @UjjwalGamer, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, तो आप जाकर वहाँ पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो को लाइक कर ही देना, अगर आपको पसंद तो आई होगी, तो यार जल्दी से लाइक बटन दबा दो, क्या कर रहे हो। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड कमेंट कर जरूर बताना कि आपको ये वीडियो जो है कैसी लगी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।